आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दम आलू की रेसिपी। बहुत ही सिंपल और मजेदार रेसिपी है। तो मैं नेहा पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरी किचन नेहा की पाकशाला में। तो चलिए दम आलू बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने आधा किलो छोटे वाले आलूओं को बॉईल करके लिया है। इन आलूओं को हमें फोक से इस तरीके से थोड़ा सा प्रिक कर लेना है, मतलब कि गोद लेना है। जैसे कि हम मुरब्बे बनाने के लिए आंवले को प्रिक करते हैं, गोद लेते हैं जिससे कि उनमें रस भर सके, उसी तरीके से दम आलू बनाने के लिए हमें आलूओं को फोक से अच्छे से प्रिक कर लेना है, मतलब कि गोद लेना है, जिससे कि ग्रेवी को ये अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। इन आलूओं को बॉईल करने के लिए आपको इनमें केवल एक सीटी लगानी है, बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। दम आलू बनाने के लिए आप इसी तरीके के छोटे वाले आलूओं का इस्तेमाल करें, क्योंकि इनका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है, बड़े वाले आलूओं से एकदम अलग होता है। और इन्हीं छोटे वाले आलूओं से दम आलू बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनते हैं। सारे आलूओं को हमने फोक से प्रिक कर लिया है, तो अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून नमक। इन सारे मसालों को आलूओं में पहले हल्के हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू मसाले में अच्छे से कोट हो गए हैं, तो अब कढ़ाई में हम 3 बड़े चम्मच तेल डालेंगे और तेल को मीडियम फ्लेम पर गरम कर लेंगे। तेल अच्छे से गरम हो गया है, तो अब हम इसमें ये आलू डालेंगे। और हल्के हाथ से चलाते हुए आलूओं को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। दम आलू बनाने के लिए अगर आप आलूओं को डीप फ्राई कर रहे हैं तो पहले मसाले आलूओं में न मिलाएं, क्योंकि डीप फ्राई करने से सारे मसाले तेल में ही निकल जाएंगे। आलू बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और इन पर बहुत ही बढ़िया ब्राउन लेयर आ गई है। तो अब इन आलूओं को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इस बचे हुए तेल में ही हम 2 चुटकी हींग डालेंगे, आधी चम्मच जीरा, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब आधा कप प्याज का पेस्ट हम इसमें डालेंगे और 2 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। 1 टेबलस्पून जिंजर चिली पेस्ट डालेंगे, मिक्स कर लेंगे इसको भी इसमें अच्छे से और 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छे से पका लेंगे। अब इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के टमाटरों की प्यूरी बनाकर ली है। टोमेटो प्यूरी को भी अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पर ही बीच बीच में चलाते हुए अच्छे से पका लेंगे। ये मैंने 3 टेबलस्पून काजू को गुनगुने पानी में भिगो कर लिया है। इनको पानी के साथ ही हम मिक्सर जार में डालेंगे और इनका एकदम स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। काजू को पीस कर मैंने पेस्ट बना लिया है, तो अभी हम इसको अलग रख देते हैं। टमाटर अच्छे से पक गए हैं और इनसे ऑयल रिलीज होने लगा है, तो अब हम इसमें सारे सूखे मसाले डालेंगे। 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लें सारे मसालों को और 1 से 2 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए इसको पका लें। काजू का जो पेस्ट हमने बनाया था वो अब हम इसमें डालेंगे। बढ़िया से पहले इसको मिक्स कर लेते हैं। काजू के पेस्ट को मिक्स करने के बाद गैस को एकदम लो फ्लेम पे कर दें और इसमें डाल दें 1/2 कप दही। फ्रेश दही लेना है, दही बिल्कुल खट्टा नहीं होना चाहिए। दही डालते टाइम आप ध्यान रखें कि गैस की फ्लेम एकदम लो हो और दही को तुरंत आप इसमें मिक्स कर लें और लगातार चलाते रहें थोड़ी देर तक, वरना जो दही है वो फट जाएगा। अब इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे और एक बार मिक्स कर लेंगे। डेढ़ छोटी चम्मच नमक डालकर वापस से एक बार मिक्स कर लें और ग्रेवी में उबाल आने दें। ग्रेवी में उबाल आने लगा है, तो जो आलू हमने फ्राई किए थे उनको हम इसमें डाल देंगे। आलू को ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसको कवर कर देंगे और गैस को मीडियम लो करेंगे और मीडियम लो फ्लेम पर 6 से 7 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। 7 मिनट हो चुके हैं और हमारी सब्जी भी बनकर के तैयार हो गई है, तो अभी हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच गरम मसाला। हाथ से थोड़ा सा घिसकर 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे और मिक्स कर लेंगे।
आखिरी में बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे बढ़िया से, गैस को ऑफ कर देंगे। अब इन सुपर टेस्टी दम आलूओं को एक सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। बारीक कटे हुए हरे धनिए से गार्निश करके आप इन दम आलूओं को रोटी, पराठा, चावल या नान किसी के साथ भी सर्व करें। तो आप इस सिंपल तरीके से दम आलू की सब्जी को घर पर बनाइए, और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।